वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गेट एंड आईएससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल अब विद अ न्यू अ कॉन्सेप्ट गेट एंड आईएससी मैकेनिकल इन 10 में। तो बहुत सारे लोगों को जैसे इस चैनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं जल्दी से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे जो मोस्ट क्रिटिकल या मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर करते हुए चलिए। आज का जो अपना टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस इन सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री या सिलेंड्रिकल सिस्टम में कैसे होता है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्लियर? बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्त ये मेरा कंप्लीट प्रोफाइल है, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड एज वेल एज मेरा टीचिंग जो एक्सपीरियंस है, ये आप पूरा रेड आउट कर लेना। इतना टाइम नहीं है कि पूरा अपन एक्सप्लेन करें। और इस वीडियो के बॉटम में मेरा अन अकेडमी का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नियरेस्ट फ्यूचर यानी नेक्स्ट मंथ में जुलाई में जैसे मैक्सिमम सब्जेक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट लेने वाला हूँ स्पेशल के फॉर्म में। तो वो जो मैसेज है या उन क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा लाइव क्लास, एंड लाइव क्लास में थोड़ा सा बनिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो ये सेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस इन अ सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री। अब देखो अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जैसे प्लेन ज्योमेट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वैसे यहाँ पर भी सबसे पहले अपने जो है वो एजम्पशंस आते हैं। सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एजम्पशंस होता है, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। एजम्पशन में मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्टडी कंडीशन होना चाहिए, यानी स्टडी वे में हीट का डिफ्यूजन होना चाहिए। स्टडी हीट अ डिफ्यूजन, स्टडी हीट अ डिफ्यूजन, यानी जो हीट का डिफ्यूजन है वो टाइम से जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, टाइम से इंडिपेंडेंट। स्टडी हीट का डिफ्यूजन होना चाहिए। एंड सेकेंड वन आइसोट्रॉपिक मटेरियल होना चाहिए। आइसोट्रॉपिक मटेरियल यानी प्रॉपर्टी अपने को मान के चलना है कि कॉन्स्टेंट है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक सिलेंड्रिकल मटेरियल होना चाहिए, सिलेंड्रिकल मटेरियल। तो हर एक डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी अपन के मान के चलेंगे और थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो अपनी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। एंड थर्ड वन अपन ये मान के चल रहे हैं विदाउट एनी हीट अ जनरेशन, विदाउट एनी हीट अ जनरेशन, विदाउट एनी हीट अ जनरेशन, बिना किसी हीट जनरेशन के देखना है अपने को। विदाउट एनी हीट अ जनरेशन, हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी हीट अ जनरेशन, हीट अ जनरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बिना किसी हीट अ जनरेशन के देखना है सिलेंड्रिकल बॉडी में, और ये अपना क्यूज इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट वन फोर्थ, फोर्थ वन इज वनली वन डी हीट ट्रांसफर होना चाहिए। वनली वन डी अ हीट अ ट्रांसफर होना चाहिए, वन डी हीट अ ट्रांसफर यानी कि केवल जो है वो रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर? वनली वन डी हीट ट्रांसफर होना चाहिए। क्लियर? वनली वन डी हीट ट्रांसफर होना चाहिए, वनली वन डी हीट ट्रांसफर, वनली वन डी हीट ट्रांसफर यानी इसका मतलब ये है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं रेडियल डायरेक्शन। वनली आर रेडियल आर डायरेक्शन, वनली आर रेडियल आर डायरेक्शन यानी यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि आपका डेल्टी बाई आर डेल आर जो है, डेल्टी बाई आर डेल आर जो है ये आपका जीरो नहीं होगा, लेकिन रेस्ट आप अगर देखा जाए यानी डेल्टी बाई आर डेल थीटा देखा जाए ये भी आपका सॉरी एजीमुथल आएगा, फाई देखा जाए सिलेंडर में फाई, तो ये आपका जीरो होगा। एंड डेल्टी बाई आर डेल जेड जो है ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपका जो है वो जीरो होगा। क्लियर? डेल्टी बाई डेल फाई आपका जो है ये जीरो होगा, और डेल्टी बाई डेल जेड जो है ये भी आपका जो है वो जीरो होगा दोस्त, ये भी आपका जो है वो जीरो होगा। क्लियर? तो आगे चलते हैं सिलेंड्रिकल सिस्टम में, सॉरी सिलेंड्रिकल सिस्टम में जो है वो अपन समझते हैं। क्लियर? सिलेंड्रिकल सिस्टम में समझते हैं, तो ये नहीं है दोस्त। सिलेंड्रिकल सिस्टम में हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो मान लो सपोज डैट कोई एक हमारा हॉलो सिलेंडर है, और इसमें अपने को देखना है कि कैसे हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होगा। तो ये सपोज डैट अपनी जो है वो एक्सेस ऑफ द सिलेंडर हो गई, ये अपनी एक्सेस ऑफ द सिलेंडर हो गई, एक्सेस ऑफ द सिलेंडर है दोस्त। और बाहर का जो ये है अपना ये आउटर सिलेंडर हो गया। मान लो सपोज डैट जो है ये अपना जो है वो आउटर अ सिलेंडर हो जाता है, ये अपना जो है ये आउटर अ सिलेंडर हो जाएगा। तो ये जो है ये अपना आउटर अ सिलेंडर हो गया, ये आउटर अ सिलेंडर हो गया, वो आउटर सिलेंडर। क्लियर? तो यहां से अगर देखा जाए तो ये जैसे अगर आप देखोगे तो ये रेडियस अपनी आर वन हो गई
और ये रेडियस जैसे अगर आप देखोगे यहाँ से, तो ये रेडियस जो है ये आपकी R2 हो गई, और इसका जो लेंथ है ये मान लें सपोज डैट L है, L लेंथ है इस सिलेंडर की। इनर सरफेस जो है, इनर सरफेस जो है, इनर सरफेस, क्लियर, इनर सरफेस जो है, इनर सरफेस, इसका टेम्परेचर यानी यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये आपका T1 है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये आपका जो है वो T2 है। यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और वहाँ पर जो टेम्परेचर आउटर पे ये T2 है। इस डायरेक्शन में आपका जो है वो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट है यानी डेल टी बाई डेल आर डेवलप हो गया। तो इस डायरेक्शन में एक रेडियल हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे मैंने प्लेन सरफेस में बताया था, अगर स्टडी है विदाउट जनरेशन है तो क्यू डॉट आर भी जो है ये हर एक पॉइंट पे जो है वो कांस्टेंट होगा दोस्त, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आर रेडियस पे एक सिलेंडर ले लेते हैं, आर रेडियस पे एक सिलेंडर ले लेते हैं। तो जैसे आर रेडियस पे हम लोग एक सिलेंडर यहाँ पर कंसिडर करें, आर रेडियस पे अगर हम लोग सिलेंडर एक कंसिडर करें दोस्त, आर रेडियस पे अगर हम लोग एक सिलेंडर कंसिडर करें, तो अकॉर्डिंग टू द फोरियर, फोरियर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें, तो इसमें हीट का जो डिफ्यूजन होगा, इसमें हीट का जो डिफ्यूजन होगा यहाँ से, ये सपोज डेट अपना जो है वो क्यू डॉट आर हो जाएगा, और ये क्यू डॉट आर जो है ये माइनस का के हो जाएगा, और सर्कमफ्रेंसियल एरिया जो है वो अपना 2 पाई आर एल होगा, और ये जो है वो DT/dr हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग जो है वो इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये क्यू डॉट आर हो गया, डी आर इधर ले आए, डिवाइडेड बाय ये आर इधर कर लिया, इज इक्वल टू माइनस का के, और ब्रैकेट में 2 पाई यहीं पर रोका, 2 पाई एल, और ये डी टी यहाँ पर कर दिया दोस्त, DT यहाँ पर कर दिया। अब अगर यहाँ पर हम इंटीग्रेट करें, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करें, तो जब R इज इक्वल टू R1 होगा तो टेम्परेचर इनर सरफेस के बराबर यानी T1 के बराबर हो जाएगा। R इज इक्वल टू R2 जब अपना होगा तो टेम्परेचर जो है T, ये अपना T2 के जो है वो बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेट करें अगर यहाँ से, तो ये हो गया Q डॉट R, और ये ब्रेकेट में हो जाएगा LnR, और ये लिमिट लग जाएगी R1 से R2, लिमिट लग जाएगी R1 से R2 इज इक्वल टू माइनस का जो है इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई KL, माइनस का 2 पाई KL, और यहाँ से ये हो जाएगा ब्रैकेट में डेट शुड बी T2 माइनस का T1, ये निकल आएगा, या यहाँ से क्यू डॉट आर अगर हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा दोस्त 2 पाई KL, और ब्रैकेट में ये T1 माइनस का T2 हो गया, हायर माइनस का लोअर, एंड डिवाइडेड बाई ये LN, R2/R1 हो जाएगा, R2/R1 हो जाएगा, या यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं डेट शुड बी आर T1 माइनस का T2, और यहाँ से ये अपना आ जाएगा LN R2/R1, LN R2/R1 डिवाइडेड बाई जो है वो 2 पाई KL हो जाएगा, 2 पाई KL हो जाएगा दोस्त, 2 पाई KL हो जाएगा। देखो फिर से अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो है ये कॉज है, ये सिलेंडर के केस में एक कॉज है टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर पोटेंशियल, और उस कॉज का ये रिजल्ट बोल सकते हो, या ये जो है ये अपना उस कॉज का जो है वो इफेक्ट है दोस्त, ये इफेक्ट है, ये कॉज का इफेक्ट है। तो ये जो यहाँ पर बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा पाथ में जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा कंडक्शन का इन सिलेंड्रिकल सिस्टम में ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, सिलेंड्रिकल सिस्टम में ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी आर थर्मल जो है ये आपका निकल के आ जाएगा LN R2/R1, R2/R1, और ये हो जाएगा R2/KL हो जाएगा, 2 पाई KL हो जाएगा दोस्त, तो ये निकल के आ जाएगा, क्लियर। फिर से वही, यहाँ पर टेम्परेचर अपना T1 है, और ये अपना थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, ये टेम्परेचर आपका T2 हो जाएगा, और इसमें टेम्परेचर ये नोड पॉइंट 1 हो जाएगा, और ये नोड पॉइंट 2 हो जाएगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ से क्यू डॉट आर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, इसको प्लेन ज्योमेट्री की तरह भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं T/K, और यहाँ पर एरिया जो होता है ये लॉग मीन एरिया होता है, लॉग मीन, और ये टी जो होता है ये थिकनेस होती है R2-R1, एंड लॉग मीन एरिया जो होता है ये अपन LMTD की तरह लिखते हैं, A2-A1 डिवाइडेड बाई LN, ये आपका फॉर्म बन जाता है A2/A1। तो ये प्लेन बॉडी की तरह निकल के आ जाता है, बस ये याद रखना यहाँ पर लॉग मीन एरिया आएगा, लॉग मीन एरिया आता है लॉग मीन, और ये वैल्यू जो लिखी हुई है ये लॉग मीन एरिया के लिखी हुई है, T/K है, तो T/K अगर देखोगे वहां पर एक्चुअल एरिया होता है या लॉग मीन एरिया होता है। ओके चलिए इस सेशन को फिर यहीं पर रोकते हैं। ओके थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके थैंक यू।